तो सभी को जय यीशु सहाय नमस्ते प्रणाम जोहार। तो एक ज़रूरी सूचना देना है मेरे को इस वीडियो में, क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है विशेषकर मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगी जो कोई भी न्यू आते हैं या तो फिर पहले से हैं, वो लोग के साथ भी ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि वो लोग ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी सूचना ये है कि अभी चोरों का मतलब बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक चल रहा है, जैसे कि आपका गलती नहीं रहेगा, लेकिन वो लोग ऐसे दिखाएंगे जैसे कि आपका गलती है और आपके वजह से ये चीज़ हुआ, ठीक है। जैसे कि अभी आप रास्ते में चल रहे हो, फिर जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हो, आप इधर से जा रहे हो, वो लोग उधर से आ रहे हैं, क्यों ना वो लोग गलत साइड में रहेंगे और आप अपने साइड में रहो, ठीक है। और आपके पास वो लोग पहुँचते के साथ में अपना फ़ोन निकालेंगे, ठीक है, फिर फ़ोन सट के निकालेंगे। तो ऐसे ऐसे तो चलते हैं ना, कोई भी बहुत कोई नॉर्मली नहीं चलते हैं, ऐसे ऐसे हाथ को करके चलते हैं, ठीक है। तो गलती से अगर आपका हाथ लग गया और फ़ोन गिर गया, लेकिन वो लोग तुरंत नहीं बोलेंगे कि डिस्प्ले गया है करके, क्योंकि गया ही नहीं रहेगा, और वो लोग आप लोगों का पीछा करते रहेंगे। और पीछा करने के बाद में जैसे देखेंगे कि आप लोग थोड़ा सा भी सन्नाटा एरिया में गए हैं, तो आप लोगों को 10-15 मिनट के बाद में पीछा करने के बाद में वो लोग आप लोगों को नज़र में रखे रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसे होगा उसके बाद, फिर नज़र में रखे रहेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा भी आप सन्नाटा या सुनसान एरिया में होते हो, या तो फिर आप लोगों को चलो थोड़ा उधर चलो करके लेके जाएंगे, ऐसा होता है। ये मेरे एक भाई के साथ हो चुका है, जो कि अभी न्यू मुंबई में आए, मतलब नए नए मुंबई में आए थे कुछ काम से, तो उनके साथ ये चीज़ हो चुका है। तो मैं सोची कि आप लोगों को ये बताना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई मेरे से जुड़े हुए हैं मुंबई के भाई बहन, तो ये चीज़ मेरे को बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उसके साथ ऐसे ही हुआ, ठीक है। ये लोग अपने साइड में जा रहे थे और वो लोग गलत साइड से आ रहे थे, फिर वो उसके पास जस्ट पहुंचा कि नहीं, वो चोर फ़ोन निकाला, ठीक है, फ़ोन निकाला, फिर वो गिरा, फिर ये लोग को 10-15 मिनट घूमने दिए, जैसे लगा कि ये लोग थोड़ा सा सन्नाटा एरिया में है, तो वो लोग के पास वो लोग पहुँच गए, ठीक है। फिर बोल रहे कि देखो हम लोग का फ़ोन का डिस्प्ले चला गया है, तुम इसका पैसा दो, तुम्हारा हाथ लगा और मेरा फ़ोन गिरा और डिस्प्ले चला गया करके। अब पता नहीं वो लोग कहाँ से इतना महंगा फ़ोन लेके आए जिसका थोड़ा सा डिस्प्ले गया हुआ था, और वो फ़ोन का डिस्प्ले का कितना था, 8000 समथिंग था, ठीक है, 8000 कुछ प्राइस था डिस्प्ले लगाने का या डिस्प्ले का। तो वो लोग से 8000 मांग रहे थे कि तुमको देना पड़ेगा ये। फिर वही अपना लोकल वाला कि हाँ भाई लोग मतलब बंदे लोगों को बुला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वाला धमकी उनकी दे रहे थे। और तो जो भैया के साथ में ये चीज़ हुआ, वो बहुत देर तक कोशिश की अपने तरीके से उनको घुमाने का कि हाँ रुको रुको नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, लेकिन वो लोग इतना टॉर्चर कर रहे थे उनको खड़े होके। फिर उनको भी डर लगा ना कि वो लोग लोकल हैं, फिर किसी बुला लेंगे वाला करके, वो लोग भी नहीं बोल पाए कि हाँ हम लोग का गलती ही नहीं है करके। तो वो लोग तुरंत खड़े खड़े 7000 ले लिए, सोचो ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो मैं बोलना चाहूँगी आप लोग ऐसे स्थिति में, एक तो जो भी ऐप यूज़ करते हो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट का, ऐसे को हटा दो, फिर बोलो कि अपन यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये बोलना चाहूँगी, कोई तो कैश लेके इतना ज़्यादा नहीं घूमेंगे, ठीक है। और वो लोग इतना चालाक, देखो वो लोग ना चलो दुकान करके भी बोल रहे थे ना, तो भी से नहीं, हम लोग के परिचय वाला दुकान में चलो, ऐसे ऐसे करके ना वो लोग टॉर्चर कर रहे थे उनको। और इतने साथी वो लोग कि उसका फ़ोन ताके हैं एकदम, उसका फ़ोन मतलब एकदम आमने सामने खड़े होके एकदम ऐसे कर रहे जैसे कि मार ही देंगे टाइप से। फिर तो कोई भी प्रेशर में आके तो देगा ही ना पैसा, तो ऐसे होता है। तो ऐसा कुछ स्थिति हो तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज़ करते हो, जैसे कि फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी यूज़ करते हो, तो उस चीज़ को ना जितना हो सके ना थोड़ा सा भी आप लोगों को मौका मिले तो अनइंस्टॉल कर देना, और बोलना कि अपने पास कैश ही नहीं है और अपन चलाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप लोगों को मौका मिले कि इधर उधर जाके या किसी को भी फ़ोन ऑन करके कॉन्टैक्ट करके
फिर अपने बचाव के लिए कर सकते हो। ऐसे करते हैं लोग बाग।